हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। 3D प्रिंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है सपोर्ट्स। सपोर्ट्स के बिना ऑब्जेक्ट्स जिसमें ओवरहैंग्स आते हैं प्रिंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नाउडेज एक अच्छी बात यह है कि जो डिज़ाइनर्स 3D प्रिंटिंग के लिए कोई डिज़ाइन बनाता है वो मैक्सिमम अवॉइड करता है कि सपोर्ट्स की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सपोर्ट से मटेरियल और प्रिंटिंग टाइम दोनों वेस्ट होता है। हमने 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन टिप्स की भी वीडियो बनाई थी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूविंग टू द टॉपिक, सपोर्ट्स हमें वहाँ पे प्लेस करने होते हैं जहाँ पर ज़रूरत हो। मीन सपोर्ट प्लेसमेंट ऑप्टिमल होनी चाहिए ताकि ज़रूरत से ज़्यादा भी सपोर्ट्स ना लगे। उससे भी पहले हमें मॉडल को ओरिएंट करना चाहिए परफेक्टली। हम काफ़ी सारे एंगल्स पे ओरिएंट कर के देख सकते हैं वेयर मिनिमम सपोर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। सपोर्ट्स टैब को ओपन करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा, टू जनरेट सपोर्ट। इसे सिलेक्ट करते ही सारे सेटिंग्स विजिबल हो जाएंगे। इसमें पहले आपको दिखेगा सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर दो ऑप्शंस है, नॉर्मल एंड ट्री। हम फर्स्ट नॉर्मल ही सिलेक्टेड रहने देंगे। नेक्स्ट आता है सपोर्ट प्लेसमेंट। इसमें भी दो ऑप्शंस है, एवरीवेयर एंड टचिंग बिल्ड प्लेट। एवरीवेयर सिलेक्टेड हो तो ये सपोर्ट्स कहीं भी बनाता है इंक्लूडिंग ऑन द मॉडल। जब भी हम टचिंग बिल्ड प्लेट से सपोर्ट्स जनरेट करता है तो वो सिर्फ बेड से ही ओरिजिनेट होते हैं, तो जो पार्ट मॉडल के अंदर है उसके लिए सपोर्ट जनरेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट ओवरहैंग एंगल्स। 3D प्रिंटिंग एक एंगल तक ही अच्छे से ओवरहैंग प्रिंट कर सकता है, प्रोवाइडेड बिलो लेयर से सपोर्टेड मिले। ये एंगल एक्सीड होते ही प्रिंट हेड हवा में आ जाता है जिससे स्लैग होता है एंड प्रिंट कम्स आउट बैड। तो ये ऑप्शन 3D मॉडल पर जहाँ भी 45 डिग्रीज या कोई स्पेसिफिक एंटर्ड वैल्यू है उससे ओवरहैंग कंसिडर करता है एंड वहाँ पर सपोर्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट पैटर्न। इसमें करंट वर्जन में आपको 7 टाइप्स ऑफ पैटर्न अवेलेबल है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट है सपोर्ट वॉल लाइन काउंट। ये 1 है, इसे आप बढ़ा भी सकते हो बट 1 इज सफिशियंट। नेक्स्ट आता है कनेक्ट सपोर्ट लाइन्स। इससे हमारे सपोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे एंड सपोर्ट स्टर्डी बना रहेगा। फिर आता है सपोर्ट लाइट डिस्टेंस। ये दो सपोर्ट लाइन के बीच की स्पेस होती है। नेक्स्ट है सपोर्ट जी डिस्टेंस। ये गैप बिटवीन मॉडल एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है। 0.2 मतलब एक लेयर की गैप है। एंड सपोर्ट एक्स वाई डिस्टेंस, ये ऑफसेट डिस्टेंस है फ्रॉम द मॉडल जहाँ सपोर्ट्स एक्सटेंड होता है बियॉन्ड द मॉडल। बाकी सब हम डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं एनेबल सपोर्ट इंटरफेस। ये सपोर्ट और मॉडल के बीच एक डेंस लेयर क्रिएट करता है ताकि प्रिंट की बेस लेयर अच्छे से स्टिक हो जाए। नेक्स्ट है सपोर्ट इंटरफेस थिकनेस। ये नंबर ऑफ इंटरफेस लेयर्स प्रिंट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है सपोर्ट इंटरफेस डेंसिटी फॉर रूफ एंड फ्लोर। ये परसेंटेज में होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रखे। डिफ़ॉल्ट ये 33.33 पे रहता है बट अगर सरफेस एरिया बड़ा है, क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप इंक्रीज कर सकते हो अप टू 60%। ये गुड रिजल्ट्स देता है। अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स मॉडल के ऊपर ही प्रिंट होने स्टार्ट है तो फ्लोर डेंसिटी कम रख सकते हैं अप टू 15%। नेक्स्ट ऑप्शन में हम इसका इंटरफेस पैटर्न सेट कर सकते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करके। ये थे सारे सेटिंग्स फॉर नॉर्मल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। अब ऊपर जाके हम ट्री टाइप सपोर्ट सेलेक्ट करके देखेंगे। इसे हमें देख सकते हो कि अलग ही टाइप के सपोर्ट स्ट्रक्चर जनरेट हो रहे हैं। ये बिल्ड प्लेट से मिनिमम बट इंक्रीजिंग फैशन में क्रिएट होते हैं। हालांकि ये सपोर्ट टॉल प्रिंट्स के लिए ज़्यादा स्टेबल एंड स्टडी नहीं होते एंड फेलियर का रेट तो नॉर्मल सपोर्ट से ज़्यादा है, बट इट कम्स इन हैंडी फॉर रेगुलर साइज प्रिंटिंग क्योंकि यहाँ पर टाइम एंड मटेरियल बहुत कम यूज़ हो जाता है। सो ये थे सारे सेटिंग्स रिलेटेड टू सपोर्ट्स। बट अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे सपोर्ट्स नहीं चाहिए तो वहाँ पे आप सपोर्ट ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हो, हम जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको न्यू कॉन्टेंट मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।